आपको इतनी इनकम आती रहे कि आप आसानी से अपनी जरूरतों को पूरा कर सके और अपनी लाइफ को सही तरीके से जी सके लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे समय की जो वैल्यू है ना कुछ लोग बताते हैं कि एक लाख रुपए लगाओगे तो इतने समय में आपके पास सौ करोड़ हो जाएंगे पचास करोड़ हो जाएंगे नब्बे करोड़ हो जाएंगे क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जो प्रोफेशन है ना नमस्कार दोस्तों हम में से हर व्यक्ति अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहता है और आप देखेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर हैं कुछ लोग बताते हैं कि एक लाख रुपए लगाओगे तो इतने समय में तीस साल में चालीस साल में आपके पास सौ करोड़ हो जाएंगे पचास करोड़ हो जाएंगे नब्बे करोड़ हो जाएंगे या हर महीने इतनी सेविंग करते हैं तो इतना पैसा आपका करोड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा प्रॉब्लम ये नहीं है प्रॉब्लम ये कि हम में से हर व्यक्ति ऐसा शॉर्टकट ढूंढना चाहता है जहाँ कुछ हज़ारों रुपये करोड़ों रुपये बन जाए चलिए इस बात को मैं दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ मान लीजिए यहाँ पर एक टेस्ट हो रहा है और आप मेरे टीचर हैं और मैं आपका स्टूडेंट हूँ तो चलिए मैं टेस्ट में आंसर्स लिख के आपको बताता हूँ आपने कहा इंग्लिश का टेस्ट है जितना भी बेटा आपको सिखाया है वो सारा हमें यहाँ पर लेकर बताओ तो और मैं उस टेस्ट का एग्जाम जो है वो आपको दे रहा हूँ और एग्जाम में आपने पूछा है सी ए टी कैट बी ए टी बैट आर ए टी रैट एम ए एन जी यू मैंगो बी ए एन ए एन ए बनाना टी एच आई एस दिस डब्ल्यू एच ए टी वट एच आई एस हेज एम एन जी डबल ओ मैंगो सी एच ए आई आर चेयर अब आप यहां देखें एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस मैंने यहां पर दस स्पेलिंग्स लिखी हैं और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं इन दस की दस स्पेलिंग्स में से आपका सबसे बड़ा जो फोकस है ना एक तो इस पर है और एक इस पर है फाइन लेकिन अगर मेरे क्लास टीचर मेरे इंग्लिश की टीचर इसको चेक करते तो वो ये कहते कि बेटा ये दो स्पेलिंग गलत हैं और दस में से आपके आठ मार्क्स हैं मतलब यू गॉट एट्टी परसेंट मार्क्स आउट ऑफ हंड्रेड सौ में से अस्सी प्रतिशत मार्क्स मिले हैं ये तो रही थ्योरेटिकल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना आप लोग सिर्फ फोकस करते हैं उन प्रॉब्लम्स को जो अपने आप में एक प्रॉब्लम नहीं है आप ये फोकस नहीं करते कि दस में से आठ बातें आपके काम की हो सकती हैं आप फोकस करेंगे एक या दो वो बात जिसमें आपको लगता है कि ऐसा संभव ही नहीं है क्या आप हमें फाइनेंशियल फ्रीडम बताएंगे क्या आप मुझे बताएंगे मैं कितनी सेविंग करूं क्या आप हमें समझाएंगे कि बैंक का रेट क्या होगा क्या आप हमें समझाएंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगी क्या आप हमें बताएंगे कि हम कितना पैसा कमाएं क्या आप हमें बताएंगे कि इतना पैसा कैसे कमा सकते हैं फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम हम में से बहुत सारे लोगों की है और जिन लोगों की ये प्रॉब्लम है ना वो लाइफ में कभी भी कामयाब नहीं होने वाले आज मैं ही क्या दुनिया का कोई भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बताता है ना और आपके मन में ये प्रश्न है कि ऐसा हो ही नहीं सकता तो समझ लीजिए आप फाइनेंशियली कभी भी फ्री होने वाले ही नहीं है आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगी अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में जानना चाहते हैं समझना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये महत्वपूर्ण स्टेप्स समझने होंगे सबसे पहली बात कि फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है फ्रेंड्स फाइनेंशियल फ्रीडम ना हर व्यक्ति के लिए अलग है कुछ व्यक्ति अगर पचास हज़ार रुपये महीने कमा ले तो वो आसानी से अपने आप को फाइनेंशियली फ्री मानेंगे कुछ व्यक्ति अगर दस लाख रुपये महीने कमा लें तो भी वो फाइनेंशियली फ्री नहीं होंगे और कुछ लोग करोड़ों रुपये भी कमा लें तो भी वो फाइनेंशियल फ्रीडम के हकदार नहीं होंगे इसका मतलब सबसे पहले आपके पास एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपके हिसाब से आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है क्या आप बीस हज़ार रुपये को फाइनेंशियल फ्रीडम मानते हैं पर मंथ अगर बीस हज़ार आपको मिल जाए तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे आपको पचास हज़ार मिल जाए तो फ्री हो जाएंगे लाख रुपए मिल जाए तो फ्री हो जाएंगे या कितने पैसे ऐसे हैं जिसमें आप अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम के रूप में अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे इसीलिए सबसे पहले ये क्लियर करना ज़रूरी है कि आप चाहते क्या हैं आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम में कितना अमाउंट चाहते हैं दूसरी बात सेल्फ सफिशियंसी फ्रेंड्स सेल्फ सफिशेंसी का मतलब है कि कितने समय तक आप आसानी से सेल्फ़ सस्टेन कर लेंगे मान लीजिए आज आप एक जॉब पर हैं या आप एक ऐसे बिजनेस में हैं जहाँ पर अचानक आपकी इनकम रुक जाती है और अगर आप आसानी से एक दो महीने या तीन महीने तक सर्वाइव कर सकते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि मैं सेल्फ सफिशेंट पर्सन हूँ इसके अलावा नेक्स्ट जो आपको चेक करना है सबसे पहले आपको चेक करना है फाइनेंशियल क्लैरिटी आपके हिसाब से कितनी है कि आप ये मानते हैं कि इतने पैसे पर मंथ मुझे मिलें तो मैं फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लूँगा और आप कितने सफिशेंट हैं कि कितने महीने तक आप अपने खर्चों को आसानी से झेल सकते हैं बिना किसी इनकम के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या क्या आपने अपने लिए ब्रीदिंग रूम तैयार किया है फ्रेंड्स ब्रीदिंग रूम का मतलब है कि आप इतने पैसे जरूर कमा लें कि आप तीन से पाँच महीने काम करें या ना करें या किसी कारणवश आपके पास तीन से पाँच महीने तक कोई काम ना हो तो क्या आपने इतना फाइनेंशियल साउंडनेस अचीव कर लिए कि आप आसानी से सरवाइव कर सकें आसानी से फाइनेंशियली ब्रीदिंग कर सके इसके अलावा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है जो आपको सोचनी है अपने आप से पूछनी है वो है स्टेबिलिटी कि क्या आप इतने स्टेबल हैं कि छः महीने से नौ महीने तक भी यदि आपको कोई इनकम ना आए तो आप आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं अगर ऐसा है तो आपको ये देखना है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी पर्सन को यह समझने के लिए कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर चुका है या नहीं उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि अगर आपके पास एक सोर्स से इनकम नहीं आ रही तो क्या आपके पास फ्लेक्सिबल दूसरा ऐसा तरीका है जहाँ से आपके पास इनकम आ जाए या तीसरा ऐसा तरीका है जहाँ से आपके पास इनकम आ जाए मैं एग्जाम्पल के रूप में बोलता हूँ मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आपकी सैलरी है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फाइन इन केस अगर सैलरी आपकी दो महीने तीन महीने लेट हो जाए कंपनी को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो क्या आपके पास ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी है कि चलो यहाँ से नहीं तो पैसा यहाँ से आ जाएगा जैसे आप पार्ट टाइम मान लीजिए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में किसी कंपनी के लिए लीड जनरेशन का काम करते हैं या आप डिजिटल मार्केटर के रूप में किसी एजेंसी के लिए एज ए फ्रीलांसर काम करते हैं या आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि उसका रेंट आपको इतना आ जाएगा क्या आपके पास इनकम की फ्लेक्सिबिलिटी है और यदि आपके पास इनकम की फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप आसानी से फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो चेक करनी है वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फाइनेंशियली आप बहुत सारी चीज़ों पर आश्रित हैं उनके ऊपर बर्डन है आप एक तरह से तो आपको अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को चेक करना है और उसका मतलब क्या होता है कि आप फाइनेंशियली इतने साउंड हैं कि आप काम करें मतलब यू विल डू वर्क और नॉट आप काम करें या ना करें फिर भी आपको इतनी इनकम आती रहे कि आप आसानी से अपने खर्चों को मीटअप कर सकें अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें और अपनी लाइफ को सही तरीके से जी सकें और यदि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर लेते हैं तो इसका मतलब आप फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर चुके हैं फ्रेंड्स एक दो महीने तीन चार महीने पाँच छः महीने आठ नौ महीने या डिफरेंट सोर्स ऑफ अर्निंग होने के बाद भी अगर आपको काम करना पड़ रहा है तो आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को हासिल नहीं कर पाए हैं आपको ऐसे रिसोर्सेज डेवलप करने हैं कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं आपके काम किए बिना भी आपके पास पैसा आता रहे अब उसके लिए करना क्या है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको समझना क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आपको सैकड़ों वीडियो मिल जाने वाले हैं लेकिन एक्चुअल लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए आपको क्या करना है आप क्या ऐसा करें सबसे पहले वट इज़ योर नंबर अब यहां पर नंबर का मतलब मोबाइल नंबर और एज नंबर की बात नहीं कर रहा आप कितना पैसा मानते हैं कि जिससे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए कि सबसे पहले आप ये डिसाइड करें वो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड भी हो सकता है फिफ्टी थाउजेंड भी हो सकता है वो वन लाख ,00 भी हो सकता है वो फाइव लाख ,00 भी हो सकता है सबसे पहला आप अपना नंबर डिसाइड करें कि यदि मुझे इतने रुपए पर मंथ मिलने लग जाएं तो मैं अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर चुका हूँ ऐसा मानूंगा इसके अलावा दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी अब आपको लगेगा कि बहुत सारे लोगों के जीवन में पैसे से ज्यादा समय का महत्व है और किसी के जीवन में समय से ज्यादा पैसे का महत्व है ये इस बात पर डिपेंड करता है आपकी अर्निंग क्या है मैं एग्जाम्पल के रूप में बोलता हूँ मान लीजिए आप एक टीचर हैं और आप कोचिंग क्लासेस लेते हैं और आपकी कोचिंग क्लासेस का जो रेट है वो है, वो है वन थाउजेंड रुपी पर आवर आप एक घंटा पढ़ाने के एक हजार रुपये चार्ज करते हैं तो क्या आप दो से तीन घंटे का समय ऐसी वेबसाइट पर सर्च करने पर लगा देंगे जहां पर आप टिकट में सेविंग कर पाए वो भी केवल तीन सौ से पाँच सौ की या हज़ार रुपये की भी आपने दो तीन घंटे खर्च कर दिए केवल इस बात को सर्च करने की मुझे फ़्लाइट टिकट कहाँ सस्ती मिल सकती है यदि ऐसा है तो समझ लीजिए आपके पास पैसे की वैल्यू ज़्यादा है और समय की वैल्यू कम है लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है जैसे जैसे आप सीनियरिटी पर पहुंचते जाएंगे जैसे जैसे उम्र का पड़ाव पार करते जाएंगे वैसे वैसे समय की जो वैल्यू है ना वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी इसीलिए ज़रूरत है सबसे पहले अपने नंबर को डिसाइड करना और इस तरह से काम करना कि आपके समय की वैल्यू महंगी होती जाए ना कि पैसे का मूल्य आपके लिए बड़ा हो दूसरी इंपॉर्टेंट बात लर्न टू सेल एनी स्टफ उसके लिए करना क्या है आपके पास पैसे की वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू समय की हो उसके लिए आपको करना क्या है आपको आर्ट ऑफ सेलिंग समझनी है और आर्ट ऑफ सेलिंग ये कहती है कि आपके अंदर ऐसी योग्यता होनी चाहिए कि आप जिस भी चीज़ में हाथ डालें जिस भी काम में हाथ डालें जिस भी प्रोफेशन को चुने जिस भी डिपार्टमेंट को चुने वहां पर आप कुछ भी आसानी से बेच सकें क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जो प्रोफेशन है ना वो सेल्स का है इफ़ यू कैन सेल एनीथिंग यू कैन अचीव एनीथिंग अगर आप अच्छा बेच सकते हैं तो आप अच्छा नंबर अपने लिए इनकम के रूप में डिसाइड कर सकते हैं यदि आप अच्छा बेच सकते हैं तो अपने समय की कीमत को आप आसानी से बढ़ा सकते हैं सेल्स की स्किल्स को डेवलप करने के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट काम है वो करना है अपनी सेल्फ लर्निंग पर द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न जितना ज़्यादा आप अपनी योग्यता में इजाफा करेंगे उतना ज़्यादा आप सक्षम बनेंगे और जितने ज़्यादा आप सक्षम बनेंगे उतनी ज़्यादा अर्निंग आपकी बढ़ने वाली है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वर्तमान में आपकी परिस्थिति क्या है फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए निरंतर सीखने के लिए तैयार हैं अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हैं तो आपको कुछ और महत्वपूर्ण कदम भी अपनाने होंगे नंबर वन लर्निंग ट्राई टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स सेल्स मार्केटिंग ब्रांडिंग प्रमोशन बिजनेस एक्सपेंशन इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत सारी चीज़ों को निरंतर सीखते रहें क्योंकि यदि आपने सीखना बंद कर दिया तो आप आगे बढ़ना बंद हो जाएंगे और यदि आप लर्निंग नहीं करेंगे तो आपकी अर्निंग भी आगे बढ़ने वाली नहीं है और अगर आपकी अर्निंग ही आगे नहीं बढ़ेगी तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करेंगे इसीलिए ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे इन योर लाइफ उसके लिए करना क्या है मोटिवेशनल बुक्स देखो लर्निंग बुक्स पढ़ो बिजनेस बुक्स पढ़ो इसके अलावा मोटिवेशनल सेमिनार्स में जाओ बिजनेस कोचिंग्स अटेंड करो बिजनेस वर्कशॉप्स अटेंड करो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करो ऐसी जगह पर जाओ जहां पर आपको लर्निंग मिल सकती है पॉजिटिव माइंडसेट के लोगों से बातचीत करो क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट के लोग ही प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस पर विचार करते हैं उसके अलावा आपको सेकंड स्टेप क्या लेना है क्रिएट अ पैसिव इनकम सोर्सेज आप पैसिव इनकम के सोर्सेज बनाएं आपकी जितनी भी अर्निंग आपकी आ रही है ना उस अर्निंग का मिनिमम ट्वेंटी पर मंथ आप सेव करो अब ये सेव नहीं करना खाली आपको तीन काम करने हैं सेव एंड इन्वेस्ट एंड अर्न और अर्निंग बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है लर्निंग जितनी ज्यादा लर्निंग करेंगे उतनी अर्निंग बढ़ेगी जितनी अर्निंग बढ़ेंगे उतना ज्यादा पैसा आप सेव कर पाएंगे जितना ज्यादा पैसा आप सेव कर पाएंगे उतनी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी उतना कंपाउंड इंटरेस्ट का इंपैक्ट आपकी सेविंग्स पर होगा और आप आसानी से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेंगे तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपको ये डिसाइड करना है कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है और आप उनको कैसे अचीव करना चाहते हैं यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं स्वस्थ रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ जय हिंद जय भारत